जब भी अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, तो हर एक व्यक्ति यही प्रयास करता है कि कैसे परेशानी से निकला जाए। और हर एक व्यक्ति निश्चित ही बहुत सारे प्रयास भी करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह परेशानी से निकल ही नहीं पाता है, और लाख प्रयास करने के बावजूद भी उसकी परेशानी बिल्कुल यूं की यूं ही रह जाती है। तो आपको बता दें कि जैसे अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो हर एक परेशानी को खत्म करने के लिए महाकाली साधना को अति उत्तम रामबाण कहा जाता है। बल्कि रामायण में रावण को मारने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने महाकाली साधना को करके ही रावण जैसे योद्धा को भी हरा दिया था, और स्वयं भगवान परशुराम को भी महाकाली का प्रचंड साधक कहा जाता है। और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनमें एक उग्र शक्ति वास करती है या एक गजब की ऊर्जाएं वास करती हैं, तो ऐसे लोग केवल महाकाली से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। स्वयं साक्षात भगवान शिव भी महाकाली के ही चरणों में विराजमान रहते हैं, और बिना शक्ति के शिव भी शव के समान बताए गए हैं। बल्कि मंत्र विज्ञान में यूं कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति को महाकाली की कृपा प्राप्त हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति तंत्र के मंत्र के सारे रहस्यों को जान जाता है। उसके जीवन की जो परेशानियां होती हैं, अपने आप ही बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से ही सारी समाप्त हो जाती हैं। बल्कि अगर वह और भी साधना करता है, जैसे कोई यक्षिणी की या कोई भी अप्सरा की साधना करता है, भूत प्रेत आदि की साधना करता है, तो ऐसी अदृश्य शक्तियों को भी सिद्ध वह कर लेता है। क्योंकि महाकाली तंत्र की मंत्र की प्रमुख देवी कही गई है, इसीलिए इन्हीं की कृपा से और केवल इन्हीं की सहायता से ही कोई भी साधना आसानी से सिद्ध हो जाती है। और गुप्त नवरात्रि में महाकाली की कृपा किस प्रकार पाई जाती है और किस प्रकार आपको साधना करनी है, किस प्रकार के अनुभव होते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय महाकाली अवश्य ही लिख दें, जिससे महाकाली की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, काफ़ी सारी चीज़ों को करता है। कई बार शत्रु उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कई बार उसका व्यापार अच्छा नहीं चलता है, कोई ना कोई उस पर तंत्र क्रियाओं को करवा देता है, किसी भी तरह की और भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो ये जितनी भी परेशानियां होती हैं, महाकाली की साधना करने मात्र से हर एक परेशानी में निश्चित ही और तुरंत ही छुटकारा प्राप्त होता है। बल्कि वशीकरण की, सम्मोहन की शक्तियां महाकाली साधना को करने से ही प्राप्त होती हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को महाकाली का ही साधक कहा जाता है, और इस बात के लिए काफी सारे बंगाल में महाकाली स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण को महाकाली के अवतारों में ही पूजा जाता है और महाकाली स्वरूप में ही पूजा जाता है। बल्कि भगवान परशुराम भी महाकाली के प्रचंड साधक ही कहे जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति केवल महाकाली साधना करने से ही किसी भी साधक को बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। बल्कि अगर कोई महाकाली का साधक होता है, महाकाली के मंत्रों का जाप करा हुआ होता है और महाकाली की कृपा ऐसे व्यक्ति पर होती है, तो ऐसा व्यक्ति भूत प्रेत आदि को भी अपने वश में कर लेता है और उनसे डरता नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति से, उसकी ऊर्जाओं से भूत प्रेत डर कर भागते हैं। जैसे काफ़ी लोगों पर तांत्रिक क्रियाएं हो जाती हैं, भूत प्रेत आदि को छोड़ दिया जाता है, और इन्हीं से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनका जीवन बिल्कुल तहस नहस हो जाता है और वह कुछ भी अपने जीवन में कर नहीं पाते हैं। किस प्रकार के अनुभव ऐसे लोगों को होते हैं, ये आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में बता दें कि इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं होती हैं, भूत प्रेत आदि की या फिर किसी भी प्रकार की तंत्र क्रियाओं की, तो इन सारी समस्याओं को महाकाली साधना करने वाला जो साधक होता है, भूत प्रेत भी उससे डर कर भागते हैं। और अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत आदि की समस्याएं होती हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मक अदृश्य शक्तियां ऐसे व्यक्ति को अगर परेशान करती हैं, और महाकाली का कोई अगर साधक है, तो महाकाली के मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर दे और ऐसे व्यक्ति को पानी पीने के लिए दे जिसको तंत्र मंत्र की समस्याएं हैं या भूत प्रेत आदि की समस्याएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति की समस्या तुरंत ही हल हो जाती है। अब आप ये देख सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शक्ति महाकाली साधना से प्राप्त होती है। और जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया है कि इस दुनिया में दो प्रकार के जगत कार्य करते हैं, एक दृश्य जगत होता है जो आँखों से दिखाई देता है, और एक अदृश्य जगत होता है जो बिल्कुल भी आँखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। और मंत्र विज्ञान की सहायता से, मंत्रों का उपयोग करने से, साधनाओं को करने से नकारात्मक जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। बल्कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में व्यापार में नुकसान होता है, कर्ज की समस्याएं होती हैं, धन की समस्याएं हो जाती हैं,
या फिर शत्रुओं की समस्याएं हो जाती हैं तो वो भी केवल तभी होती हैं जब कोई नकारात्मक अदृश्य शक्ति परेशान करती है, तो ऐसे में सारी चीज़ों को वह बिगाड़ने लग जाती है, उस व्यक्ति के दिमाग को मन को बिल्कुल खराब करने लग जाती है। और खराब हो जाने की वजह से उस व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं, शत्रुओं की समस्याएं और काफ़ी समस्याएं एक के बाद एक बढ़ती चली जाती हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं यह महाकाली साधना को करने से तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि केवल मंत्र जाप करने मात्र से ही यह साधनाएं हो जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि केवल मंत्र जाप ही साधनाएं नहीं होती हैं, बल्कि इनके साथ और भी बहुत सारी गुप्त क्रियाएँ करी जाती हैं। जैसे इस वीडियो में एक महाकाली साधना के प्रयोग को हम आपको बताएंगे और इस प्रयोग को करके आप काफ़ी सारी समस्याओं को छुटकारा पा सकते हैं और काफ़ी सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं, खास करके अगर शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो महाकाली साधना के इस प्रयोग को करके आप फायदा उठा सकते हैं और शत्रु से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो महाकाली की साधना करने से बहुत सारे अनुभव की प्राप्ति होती है और बहुत सारे लोगों को अलग अलग उनकी प्रवृत्ति के अनुसार ही अनुभव होते हैं, और जितने भी अनुभव होते हैं ये बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। और ऐसे लोगों का मन काफ़ी ज़्यादा बलवान होता है, इसीलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक अदृश्य शक्तियाँ होती हैं उनको बड़ी आसानी से ऐसे लोग कंट्रोल कर लेते हैं जिनका मन बलवान है। और मन बलवान करने के लिए महाकाली साधना को करना और जानना और उसके अनुभव को पाना बेहद आवश्यक होता है। महाकाली का जो बीज मंत्र है वह क्रीम कहा जाता है। केवल क्रीम बीज मंत्र ही महाकाली का मूल मंत्र होता है, बीज मंत्र कहा जाता है। और ओम क्रीम कालिकाय नमः यह बीज मंत्र मूल मंत्र है। अगर कोई व्यक्ति केवल इसी मंत्र का उच्चारण रोज सुबह और शाम सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भी अगर करता है तो उसे गजब की ऊर्जा और गजब की एनर्जी अपने जीवन में महसूस होने लग जाती है। और अगर वह व्यक्ति शत्रु की आंखों में देखते हुए क्रीम बीज मंत्र और ओम क्रीम कालिकाय नमः बीज मंत्र का जाप करता है तो उसकी आंखों में देखने से यानी कि शत्रु की आंखों में देखते हुए इस मंत्र का अगर जाप किया जाता है तो इससे शत्रु के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ सोचता है या आपके विरुद्ध सोचता है और आपको हानि पहुंचाना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति की आंखों में देखते हुए अगर ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप किया जाए तो इससे शत्रु के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। और जब भी उसके बाद फिर वह आपके विरुद्ध सोचता है तो उसकी बुद्धि में डर और भय उत्पन्न होने लग जाता है, जिसकी वजह से वह कोई भी उत्पात ना तो मचा पाता है और ना ही आपको परेशान कर पाता है। ठीक इसी प्रकार कई प्रकार के अज्ञात शत्रु भी होते हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता है। कई बार तो नज़र इस प्रकार से लग जाती है कि नज़र भी शत्रु की तरह ही कार्य करती है, सारे कार्य बिगड़ते चले जाते हैं, तंत्र क्रियाएँ कुछ लोग शत्रु आदि वगैरह करवा देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को महाकाली साधना से ठीक कर सकते हैं। महाकाली महाविद्या का जो साधना मंत्र होता है इसे आप बिना गुरु मंत्र के कभी भी जाप ना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिसमें व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इसीलिए गुरु का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है, जो आपको बता सके कि कौन कौन सी चीज़ों को समझना है और कैसे समझना है, क्योंकि अनुभव तो हर एक व्यक्ति को निश्चित ही होते हैं। अगर कुछ खास क्रियाओं को भी कर लिया जाए तो इससे निश्चित ही अनुभव होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का 1,00,000 से अधिक जाप कर लेता है तो ऐसा जाप करने के पश्चात यह मंत्र बिल्कुल लॉक इसका खुल जाता है और महाकाली की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होने लग जाती है। आपको बता दें कि यह बिल्कुल बेसिक कोई भी साधना शुरू करने से पहले अगर इस मंत्र की साधना कर ली जाए तो इससे काफ़ी सारी साधनाओं में सफलता प्राप्ति के योग बन जाते हैं। और इस मंत्र का इस्तेमाल फिर काफ़ी सारे प्रयोग में किया जा सकता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत आदि की समस्याएं हो, तंत्र विद्या उस पर हो गई हो, तो अगर आप किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को पानी पर इस मंत्र को फूंक कर दे देते हैं 108 बार पढ़कर तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है, तंत्र मंत्र की क्रियाएँ उस पर से दूर हो जाती हैं और भूत प्रेत आदि उसे परेशान नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में व्यापार की समस्याएं हैं, नौकरी से संबंधित समस्याएं हैं, तो केवल इस मंत्र का जाप करने से और महाकाली से मनोकामना बोलने से, प्रार्थना करने मात्र से ही काफ़ी सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं, व्यापार ठीक हो जाता है, नौकरी भी ठीक हो जाती है। बल्कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके घर में या आपके आसपास जो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता है और दवाइयाँ उसे लग नहीं पाती हैं, तो महाकाली के इन मंत्रों का जाप करने से, वैसे आपको बता दें महाविद्या का जो मंत्र होता है वह बिल्कुल अलग होता है और बिना गुरु मंत्र के और बिना गुरु के यह साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में जो साधना हमने आपको बताई है ये बिल्कुल बेसिक है,
और इस साधना को कोई भी कर सकता है। जितना ज़्यादा इस मंत्र का जाप किया जाता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में या आपके आसपास बीमार है तो उस व्यक्ति को अगर रोज़ इस मंत्र का जाप कर जल पिलाया जाए, पानी पिलाया जाए, तो इससे वो सामने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल ठीक होने लग जाता है। अब आपको बता दें कि जब भी महाकाली साधना को किया जाता है तो महाकाली साधना करने से उस व्यक्ति की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा अधिक बढ़ने लग जाती है। उसे ऐसा प्रतीत या ऐसा फील होने लग जाता है कि उसके पास कुछ ना कुछ शक्ति घूम रही है। तो आपको बता दें कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा जब भी उनके साथ होता है तो वह डर जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये महाकाली के ही गण होते हैं, महाकाली की शक्ति होती है जो शरीर में बढ़ने लग जाती है और ऊर्जा ऐसे फील होने लग जाती है कि आपके आसपास कोई घूम रहा है या आपको कोई देख रहा है, आपके आसपास कोई है। तो इस प्रकार की जब चीज़ें होती हैं तो आप समझ जाएं कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करने से केवल इसी तरह की चीज़ होती है, इसमें ज़्यादा अनुभव की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो जब भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि आपकी ऊर्जाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि शरीर में जब एकदम से अचानक से ऊर्जाएं बढ़ती हैं तो शरीर उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, इसी से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, केवल महाकाली के मंत्रों का जाप करें और बिल्कुल निडर होकर, निर्भीक होकर लगातार बस करते रहें। और जितना अधिक आप जाप करते हैं उतने ही ज़्यादा शक्तियाँ और अनुभव बढ़ते ही चले जाते हैं, यानी कि जिस भी चीज़ की आप कामना करते हैं उसके पश्चात जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं उनमें किसी भी प्रकार के बाधाएं, विघ्न या रुकावट उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि महाकाली साधना करने मात्र से ही सभी बाधाएं और रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। और गुप्त नवरात्रि आज से ही शुरू हो चुकी है, 30 जनवरी तक चलने वाली हैं, तो इन 9 दिनों में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और कोई भी कार्य विशेष के लिए भी कर सकते हैं। कोई कार्य विशेष के लिए करते हैं तो उसके लिए संकल्प लेना आवश्यक होता है। संकल्प किस प्रकार लेना है ये काफ़ी वीडियोस में हमने आपको बताया है। हाथ में जल लेकर, चावल लेकर, फूल लेकर, अपना कार्य बोलकर और कितने मंत्रों का जाप आप करने वाले हैं वो संख्या बोलकर गुप्त नवरात्रि में कभी से भी इस मंत्र का जाप शुरू किया जा सकता है, बल्कि आज रात से भी किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो खाना कम खाएं, क्योंकि खाना ज़्यादा खाने की वजह से सही से मंत्र का जाप नहीं हो पाता है और ध्यान नहीं लग पाता है। महाकाली पर ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का जाप किया जाता है और आज से ही आप इस जाप को शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। कौन सी और साधना के बारे में आप जानना चाहते हैं या किसी और बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को या कोई भी और चीज़ को लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।